हे गाइस, वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। क्रैश कोर्स चल रहा है हर एक एग्जाम के लिए, सीएसआईआर गेट डीबीटी आप लोग देख रहे होंगे। हर दिन क्रैश कोर्स में हम नए वीडियोस आपके लिए कॉन्टिन्यूस लेके आते रहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी क्वेरीज आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीके जिसको बोलते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जो दो पुराने दोस्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे की पहले पिटाई करते हैं। एक दूसरे की पहले पिटाई करेंगे, फिर उसके बाद खाना पीना जो होगा वो शुरू करेंगे। तो पिटाई किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल पिटाई किया जाएगा। देखते हैं कैसे पिटाई किया जाता है, ठीक है। सो देखिएगा, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में क्या होता है कि एक काइनेज डोमेन होता है, काइनेज डोमेन होता है, काइनेज डोमेन इज देयर, काइनेज डोमेन, सिक्स वन रिसेप्टर, थ्री टायरोसिन जो होता है प्रेजेंट एट सिंगल रिसेप्टर। सिंगल रिसेप्टर पे थ्री टायरोसिन प्रेजेंट होते हैं जो कि फॉस्फोरिलेट होते हैं। थ्री एटीपी रिक्वायर्ड फॉर सिंगल रिसेप्टर के लिए थ्री एटीपी चाहिए, ठीक है। सिंगल या मोनोमेरिक रिसेप्टर, इसको सिंगल रिसेप्टर से बेटर है। सिक्स टायरोसिन इज देयर, सिक्स एटीपी रिक्वायर्ड फॉर द सिंगल रिसेप्टर, मतलब कि डाइमेरिक फॉर्म। मैं क्या बोल रहा हूँ, डाइमेरिक फॉर्म। अभी देखिएगा किस तरीके से होगा, मैं आपको अभी बताऊंगा डाइमेरिक फॉर्म, ठीक है। इसी का एक मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन फॉर्म जो होता है, वो मॉडिफिकेशन फॉर्म क्या होता है जिसको बोलते हैं, एग्जाम्पल का मतलब है रैस एमएपीके पाथवे। रैस एमएपीके पाथवे जो कि कैंसर के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ग्रोथ के लिए, वो यहाँ पे होता है, ठीक है। सो सी द डायग्राम, सी द डायग्राम, पहले डायग्राम देखिए, अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। क्या होता है कि ये रहा रिसेप्टर, पहले क्या होता है रिसेप्टर जो होता है, दो रिसेप्टर होते हैं। जब तक लिगेंड बाइंडेड नहीं रहता कैसे फॉर्म में रहते हैं, मोनोमेरिक, मतलब दो दोस्त हैं, दूर दूर थे, कुछ नहीं हुआ, लिगेंड मतलब कोई बात नहीं हुई तो दूर दूर थे। जैसे ही लिगेंड बाइंड हुआ कैसे फॉर्म कर लेंगे, जैसे ही यहाँ पे लिगेंड बाइंड हुआ, ये लिगेंड आया, लिगेंड आने के बाद क्या फॉर्म कर लेंगे, ये मोनोमेरिक था, अब हो गया डाइमेरिक। कैसा हो गया, डाइमेरिक। समझ में आया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप था। अब डाइमेरिक फॉर्म करने के बाद क्या होगा, सी हियर, अब जब डाइमर फॉर्म करते हैं, ये डाइमर फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये डाइमर फॉर्म किया इन्होंने, जब डाइमर फॉर्म किया यहां पे लिगेंड जो था वो बाइंडेड था, तो डाइमर में तीन फॉस्फोरिलेशन एक दूसरे को करते हैं। क्या करेंगे, कैसे फॉस्फोरिलेट करेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। ये इसको फॉस्फोरिलेट करता है, ये वाला इसको करता है, जिसको बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं ऑटो क्रॉस फॉस्फोरिलेशन। एक दूसरे की पिटाई करते हैं, जैसा कि पी से उस एक टर्म में याद रखने के लिए, एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं। एक ये तीन बार इसको पीटेगा, तीन बार ये इसको पीटेगा, ऑटो क्रॉस फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। ये करने के बाद अब इस ऑटो क्रॉस फॉस्फोरिलेशन के बाद इसके आगे सिग्नल तो चाहिए ले जाने वाला, इसके आगे कैसे जाएगा, इसके आगे जाने के लिए चाहिए एक एडेप्टर। क्या चाहिए, एक एडेप्टर चाहिए, एडेप्टर के साथ साथ एक यहां पर चाहिए जो कि गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर का काम करे, वो गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोटीन आता है जिसको बोलते हैं इफेक्टर, इफेक्टर आता है, और ये इफेक्टर मॉलिक्यूल कई सारे कैस्केड पाथवे को ऑन करता है, ठीक है, कैस्केड पाथवे को ऑन करता है। अब रैस एमएपी के पाथवे में एडेप्टर जो होता है, रैस एमएपी के पाथवे के बारे में बात करता हूं, फॉर रैस एमएपी के पाथवे यहां पे एडेप्टर जो होता है, बाकी प्रोसेस सेम होता है, एडेप्टर जो हो जाता है वो हो जाता है जीआरबी2, यहां पे गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर जो हो जाता है उसको बोलते हैं सॉस प्रोटीन, और इफेक्टर जो होता है वो होता है आपका रैस प्रोटीन, और जो कैस्केड होता है वो कैस्केड होता है एमएपीके, ठीक है। एमएपीके में एक के का मतलब काइनेज होता है, वो कई पाथवेज होते हैं, इस तरीके से चलते हैं। दिस इज मेनली यूज्ड फॉर द ग्रोथ हॉर्मोन्स, किसके लिए होता है, ग्रोथ
हॉर्मोन्स के लिए यूज होता है, जितने भी मोस्टली ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं, और एक स्पेसिफिक जो होता है कंपाउंड, जिसको नाम यहाँ पे मैं स्पेसिफिक लिख रहा हूँ, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन होता है जो कि कई बार पूछा होता है, बाकी सारे सब के सब ग्लूकेगॉन जो होता है। यहाँ पे मैंने अभी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बताया, इसमें जो सिग्नल्स होते हैं जो ग्लूकेगॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे यूज होता है, जबकि इंसुलिन जो होता है वो यहाँ पे यूज होता है आरटीके पे। इज इट क्लियर? क्लियर है जी? जी, इंसुलिन है डाइमेरिक रिसेप्टर, यू कैन सी दैट। ठीक है, चलिए, सो अच्छी बात है। और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के बारे में जो मैं बात करता हूँ, इंट्रासेलुलर में न्यूक्लिक की बात करूंगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, दैट इज व्हाट इंट्रासेलुलर। अब मैं मूव कर रहा हूँ, जो गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। खासकर जो सेलुलर, जो सीएसआईआर पढ़ने वाले लोग होंगे, वो ये ना समझे कि मैं जैक स्टेट और बाकी पाथवे को छोड़ रहा हूँ, तो वो क्यों छोड़ रहा हूं, ठीक है? क्योंकि गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है आपको अभी, ना कि सीएसआईआर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो उन्हीं टॉपिक्स को कर रहा हूं जिनको कि गेट में पूछा जाता है, ठीक है? नाउ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एक्चुअली क्या होता है, अगर एक सेल है तो सेल के इनसाइड ये रिसेप्टर पाया जाता है। सीरोटोनिन कहां पे होना चाहिए, सुचंद आप खुद बताइए। क्वेश्चन पूछने से पहले आप अपना कॉमन सेंस लगाइए सुचंद, और आप खुद आंसर दीजिए, सीरोटोनिन कहां पे होना चाहिए? सीरोटोनिन इज अ ग्रोथ हार्मोन, इट इज अ ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन है सीरोटोनिन, तो आरटीके होगा नहीं, ठीक है, वॉट एवर। चलिए अब देखिएगा कि दैट इज व्हाट इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो होता है, यहां पे बाइंड करने वाला लिगेंड, बाइंड करने वाला लिगेंड जो हो सकता है वो प्रोटीन भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कुछ भी हो सकता है। इसके कुछ पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट होते हैं, एक होता है दैट इज व्हाट द डीएनए बाइंडिंग डोमेन, एक होता है डीबीडी, डीएनए बाइंडिंग डोमेन। किस एंड पे प्रेजेंट होता है डीएनए बाइंडिंग डोमेन, किस एंड पे प्रेजेंट होता है डीएनए बाइंडिंग डोमेन, एनीबडी, ठीक है, किस एंड पे प्रेजेंट होता है, एन एंड पे। और एक होता है सेंट्रल डोमेन, एक होता है सेंट्रल डोमेन, एक होता है सेंट्रल डोमेन जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एक होता है ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन डोमेन, टीएडी। कहां पे होता है ये, सी टर्मिनल पे होता है, सी ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन डोमेन। अब सेंट्रल इज अ डीबीडी, डीबीडी की बात करेंगे, ठीक है, डीबीडी, डीबीडी तीन डोमेन्स होते हैं यहां पे। वो डोमेन्स कौन कौन से होते हैं, पहले वो डोमेन्स देख लीजिए, एक होता है डीबीडी जिसको बोलते हैं डीएनए बाइंडिंग डोमेन, और एक होता है एलबीडी जिसको बोलेंगे लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। एक क्या होगा, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होगा, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन किस साइड में होता है, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन किस साइड में होगा, और एक होता है ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन डोमेन, ठीक है। सो एक्चुअली जो होता है लिगेंड बाइंडिंग डोमेन जो, यस फाइन, ठीक है, कि डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो होता है वो सेंट्रल में होता है, सेंट्रल में, और लिगेंड बाइंडिंग जो होता है, लिगेंड बाइंडिंग जो होता है वो एन टर्मिनल होता है, राइट, यस राइट, ठीक है। लिगेंड बाइंडिंग डोमेन जो होता है वो राइट में होता है, डीएनए सेंट्रल में होगा, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन डोमेन सी टर्मिनल पे होता है। इज इट क्लियर? ये तीन डोमेन होता है डीएनए से बाइंड करने के लिए, ये डोमेन काम आएगा, ये लिगेंड से, और ये ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करने के लिए काम आता है। These are the three domains for the intracellular receptors. This is mainly used for the T3 hormones, T4 hormones, hormones. याद रखिएगा, एक हार्मोन आता है TSH. TSH के लिए ये यहाँ पे यूज नहीं होता, ये होता है GPCR. ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या होता है, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज नॉट यूज T3 और T4 से अलग होता है TSH. तो ये जो होता है वो GPCR में यूज होता है, ठीक है, नॉट फॉर, ये GPCR यूज होता है, इंट्रासेलुलर नहीं होता। Is it clear? चलिए, सेल सिग्नलिंग क्लियर है जी? होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जितना हो सकता है मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ, और आप भी अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिए ताकि वो भी इन चीजों से लर्न कर सके। अगर आपको डेफिनेटली पसंद है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।